स्ट्रक्चर ऑफ आयरिस आई के मिडल कोर्ट में होता है यू मिडल कोट को यूवियल ट्रैक बोलते हैं जिसमें कि आयरिस सीले बॉडी कोरोइड होते हैं तो आयरस को समझने के लिए तीन चीजें हैं कि उसका एंटीरियर बॉर्डर होता है एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है बीच में स्ट्रोमा होता है एंटीरियर बॉर्डर में फाइब्रोसाइट्स एंड मेलानोसाइट्स होते हैं स्ट्रोमा में फाइब्रोसाइट्स मेलानोसाइट्स एंड कोलेजन और स्फिंगटर प्यूपिलाई पोस्टीरियर बॉर्डर में होगी कौन डायलेटर प्यूपिलाई पोस्टीरियर बॉर्डर पे डबल एपिथीलियम होगा और ये हेविली माइलेटेड होगी हेविली माइलेटेड ब्लैक बॉक्स इफेक्ट की वजह से ताकि कॉन्ट्रास्ट बढ़ सके इमेज का जब डायलेटर प्यूपिलाई में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आयरिस दूर दूर जाएंगे और प्यूपिल का साइज़ बढ़ेगा डायलेशन होगा प्यूपिल में तो इसीलिए इसको डायलेटर प्यूपिलाई बोलते हैं हम जब डरते हैं तो डर के कारण हमारी आँखें ज़्यादा खुल जाती हैं डायलेशन होता है तो सिम्पैथेटिक सिस्टम कराता है डायलेशन प्यूपिल में तो डायलेटर प्यूपिलाई को एक्टिवेट कौन करता है सिम्पैथेटिक सिस्टम जो स्फिंक्टर प्यूपिलाई होते हैं दोनों आयरिस के बीच में जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों आयरिस पास पास में आएंगे और आयरिस मतलब प्यूपिल का साइज़ डिक्रीज होगा जब हम खुश होते हैं या फिर हंसते हैं तो हमारी आँखें मतलब थोड़ी बंद सी हो जाती हैं तो ये स्फिंक्टर प्यूपिलाई मतलब पैरासिम्पथेटिक सिस्टम इसको एक्टिवेट करता है सिम्फेटिक स्फिंक्टर प्यूपिलाई को जिससे कि पीपल का साइज डिक्रीज होता है तो ये तीन चीजें हैं एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर एंड स्ट्रोमा जो आयरस का कलर होता है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम एंटीरियर सरफेस ऑफ आयरिस एंड मेलेनोसाइट्स इन स्ट्रोमा ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने तो जो ब्लू आइज होती हैं वो मेलेनिन कम होता है किसमें एंटीरियर बॉर्डर सरफेस एंड स्ट्रोमा में, में मेलेनिन कम होने के कारण ब्लू आइज दिखती हैं जो नव सप्लाई है वो पैरासिम्पेथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है एडिंगर वेस्ट वेस्टफॉल न्यूक्लियस या फिर रोकेट न्यूक्लियस से होती है जो कि मिड ब्रेन में है फाइबर्स आते हैं सर्वाइकल गैंगलिया से वहाँ से शॉर्ट सीलियरी नर्व जाती हैं शॉर्ट सीलियरी नर्व जाएंगी कहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई जो कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्प्रिक्टर प्यूपिलाई या फिर कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई तो आयरिस का आयरिस पास पास आएंगे और प्यूपिल का साइज कम हो जाएगा तो ये पैरासिम्पेथेटिक मतलब कि सुख का साथी तो सुख में हमारी आंखें बंद हो जाती हैं हंसते टाइम पे तो ये कराएगा पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम जो लॉन्ग सीलेरीरी नव होती हैं वो ब्रांच होती हैं किसकी नेजो सीलेरी क्रेनियोसेकरल आउटफ्लो पैरासिम्पेथेटिक का होता है और जो थोरेको लंबर आउटफ्लो होता है वो सिम्पेथेटिक का होता है तो थोरेक् से, से सुपरा सर्वाइकल गैंग लिया यहाँ से आती है ट्राइजेमिनल नर्व ट्राइजेमिनल के तीन ब्रांच होते हैं ओपथेलमिक मैगजरी एंड मैंडिबुलर जो मेन ओपथैलमिक डिवीजन होता है ट्राइजेमिनल का उसकी आगे तीन ब्रांच होती है लैक्रिमल फ्रंटल एंड नेजोसीलरी लैक्रिमल लेटरल साइड पे होती है फ्रंटल बीच में और नेजो सिलरी मीडियल साइड पे होती है नेजोसीलरी से आती है लॉन्ग सिलेरी नाव लॉन्ग सिलेरी नाव सिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट है तो सिंपैथेटिक मतलब कि कौन सा डायलेटर प्यूपलाइन जब हम दुखी होते हैं या फिर डर जाते हैं तो हमारे आँखें डायलेट हो जाती है एकदम से कुछ चीज़ देख के तो ये नर्व सप्लाई है आयरिस की पोस्टीरियर सरफेस पे डबल एपिथीलियम होगा जो कि हेवल डायलेटर होती है सरफेस पे जो बनती है, anterior anterior का होता है, कोई एपिथीलियम नहीं कोई एंडोथीलियम नहीं होता फाइब्रोब्लास्ट एंड फ्यू मेलेनोसाइट स्ट्रोमा में कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई होती है या फिर स्फिंक्टर प्यूपिलाई फाइब्रोब्लास्ट हैं ब्लड वेसल्स होती है आयरिस में जो कि मेजर एंड माइनर आर्टीरियल रिंग बनाती है नव सप्लाई थ्रू सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक सिंपैथेटिक मतलब दुख का साथी डायलेटर प्यूपिलाई पैरासिंपैथेटिक सीलियरिस एंड कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलाई को थ्रू एडिंगर वेस्ट फॉर न्यूक्लियस आयरिस एक एडजस्टेबल डायफ्राम है इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं कॉर्निया के पीछे होता है और लेंस के आगे होता है आयरिस आयरिस इज सेंट्रल होल प्यूपिल आइरिस में जो सेंट्रल होल होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं ये अमर्ज रहता है एक्वस ह्यूमर में डिवाइड करता है एंटीर सेगमेंट को एंटीर एंड पोस्टियर चैम्बर में नॉर्मल प्यूपिल का साइज टू एम एम टू एट एम एम होता है एनसीसी सी न्यूरल सेल न्यूरल क्रस्ट सेल से बनती है डायलेटर प्यूपलाई कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपलाई स्ट्रोमा ऑफ आयरस एंड क्रेनियोफेशियल बोन थैंक यू